संग्राम क्या कर रहे हो? मैं रॉकेट बना रहा हूँ, दिखता नहीं, बाल कटवा रहा हूँ। ओ वाह, क्या नाम है आपका सर? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद जी, आप संग्राम जी के बाल काट रहे हैं? ओके, वेरी गुड। मेरी बात सुनो भैया, जैसे जो प्रमोद जी जैसे जो इंसान हैं, जो मेहनती हैं और जो काम जानते हैं, उनसे बाल कटवाओ। ये नहीं कि जो आपके बड़े बड़े शोरूम में जो चिपका देते हैं 2-4-5 हज़ार रुपये, उनसे उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। संग्राम, इट इज ऑल अबाउट टैलेंट। अगर प्रमोद जी के पास टैलेंट है तो प्रमोद जी से कटवाओ। अगर कोई बड़े सलून या सलून के अंदर एक हेयर ड्रेसर है जिसका टैलेंट आपको पसंद आता है तो आप उससे कटवाओ। इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, ओके? आप इनडायरेक्टली मुझे टॉन्ट मत मारो, ओके? मैं टैलेंट की बात करूं, टैलेंट की बात तो ढेर सारे, चाहिए आप इंडस्ट्री देखो चाहे पॉलिटिक्स देखो, कोई टैलेंटेड नहीं होके भी ऊपर है। अब वो उनका सेटिंग होता है, कर्मा होता है, ठीक है? तो प्रमोद जी, आप उनको कौन सा हेयर स्टाइल दे रहे हैं? स्पाइक दे रहे हैं, स्पाइक हेयर स्टाइल। हाँ, थोड़ा ये जवान दिखने चाहिए, यंग और जवान दिखने चाहिए, बिकॉज ये एक इवेंट में जा रहे हैं। क्योंकि यंग जवान, क्योंकि अभी अभी बच्चा हो ना, 13-14 साल का, तो ऐसा लगोगे 18-19 का लगो। ओ माय गॉड, मतलब यू नो संग्राम, आई लव पीपल हु लिव इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड। समझ पड़ा मैंने क्या बोला? इतना ज्यादा समझे, छोटा सा दिमाग है, क्यों इतना ज्यादा समझना भैया? ओके, सो दिस इज मी ट्राइंग टू कैच संग्राम गेटिंग हिज हेयर कट फ्रॉम प्रमोद जी एंड you know making a video of it sangram ji ki permission ke sath, his right to privacy is not invaded. Right to privacy pata hai kya hota hai? Are right to privacy jahan pe publicly sthan pe ho, wahan pe right to privacy kya hoti hai? Right to privacy hoti hai bedroom mein. Bedroom mein? Wow sangram, kya dialogue mara hai, ye logo ko samajh nahi padta kyunki sab aap jaise padhe likhe pad hote hai na. Oh my, आई होप तुम यंग और जवान दिखो ये हेयर कट के बाद। यस, अभी तक 14-15 साल का था तो इसमें 18-19 का दिखना चाहिए। वेरी गुड, दिस इज प्रमोद जी कटिंग संग्राम्स हेयर। हाँ बोलो संग्राम जी। मैं प्रमोद जी से ही अपनी हेयर कटिंग करवाना पसंद करता हूँ और प्रमोद जी ने भी मुझे बताया कि, मैंने कहा प्रमोद जी थोड़े व्हाइट बाल आ गए, बोला कोई नहीं अभी तो 5% है। बट व्हाइट बाल कैसे तुमको जवानी में आ गए, अभी तो तुम 14-15 साल के हो। क्योंकि आजकल पानी और पोल्यूशन इतना है ना, तो दूषित है, उससे उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। अच्छा अच्छा, तो बड़े बड़े डॉक्टर से सलाह लेनी है? वो क्या हो, तो खुद चश्मे चढ़ाए बैठे हैं, लोगों की आंख ठीक करते हैं। ओह माय गॉड, स्पाइक हेयर स्टाइल। प्रमोद जी, यस सर, वाइट अभी ज्यादा नहीं है ना? नहीं सर, अभी छुपा दिए। उम्र के हिसाब से तो कम ही है। हाँ ऑब्वियसली। अब प्रमोद जी मुझे पूछ रहे थे कि सर कितने बच्चे हैं आपके, मैंने कहा प्रमोद जी या तो 2 बच्चे का बाप बन लो या पूरे देश का बाप बन लो। ओह माय गॉड, अब क्या करें, अभी तो पूरे देश के हैं, अभी तो पूरे देश के ही हैं और लगता है पूरे देश के ही रहने वाले हैं। तो अच्छी बात, देश के सारे बच्चे अपने बच्चे हैं। तुम चुप रहो। अच्छा प्रमोद जी, आप किसको पसंद करते हैं, वोट किसको देते हैं? मोदी जी को। क्यों, किस लिए? मोदी जी हेल्प करते हैं ना इसके लिए। मतलब आपकी कैंची पकड़ते हैं मोदी जी? कैंची पकड़ते हेल्प करते हैं। वाह, तो किस 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 क्षेत्र में हेल्प करते हैं? जैसे मतलब, जैसे मान लो बिहार में अभी लॉकडाउन हुआ था, राशन दिया, घर घर में नल पहुंचाया। वाह, लाइट नहीं थी, लाइट दिया। वाह, अच्छा बिहार में तो उनकी सरकार कोएलिशन में है ना, वो नीतीश के साथ? नीतीश के साथ हम लोग लाइट के लिए तरसते थे बिहार में। अच्छा देखो, नहीं नहीं तो 24 घंटे 18 घंटा लाइट रहता ही है।
नहीं तो दो दो दिन तीन तीन दिन गुल रहता था लाइट। तो मोदी जी को आप 2024 में बनाएंगे तो मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे ना? हाँ, बस। ओके, वेरी गुड, तो भी अच्छी बात है। देखो आप अखंड गिर गया मोदी जी नाम लेते ही। तक योगी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे तो कोई नहीं। अच्छा, योगी जी ज्यादा पसंद करते हैं या मोदी जी? दोनों है ना। अब की बार यूपी चुनाव में कौन जीत रहा है? योगी जी। कितनी कितनी सीटों से? कैसे जीता था पहले वैसे जीता है। हाँ, वैसे मैं ही पसंद करता हूँ। सच्ची है? यस। कि झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं सच्ची में पसंद करता हूँ। अच्छा, हर उस इंसान को जो देश के अच्छे के लिए सहयोग करता है। ठीक है, चलो, ये तुमने सही डायलॉग बोला। क्या संग्राम? तो संग्राम बाल कटा रहा है एंड आई एम हैविंग रियली स्टूपिड टाइम पास कॉन्वर्सेशंस विद हिम बिकॉज दिस इज लाइफ। देखने एक बार, और इनका हेयर कट हो गया है, कैसा लग रहा है? एक बार आप देखो ना, आप देखो कैमरा में, देखो ठीक लग रहे हो? आर यू लुकिंग यंग एंड हैंडसम? आई वाज किड बट नाउ आई एम लुकिंग यंगर। यू लुकिंग यंग? So how did the kid become young? Can you beat it? Due to Pramodji talent. Due to Pramodji talent. Wow. ये टर्की जा रहा है और मैं नहीं जा रही, इसलिए ये बहुत उछल रहा है। संग्राम, तुम्हारी दाढ़ी भी वाइट हो गई है। नहीं, दाढ़ी बाकी सारी ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी बच्चन साहब जैसी हो रखी है। अरे भगवान, ऐसे कैसे? अरे मेरे भाई ने डायरेक्ट मारा ना, मैंने बोला कि अभी तुम बहुत ही बोला, ये अपनी थोड़ी तो बच्चन साहब जैसी घूम रहा है, मतलब दाढ़ी सफेद हो रखी है ना, तो इसलिए। तो ऐसे कैसा हो गया संग्राम? ये शहर के पानी की वजह से हुआ है? शहर के पानी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और आपका बेवजह चिल्लाने की वजह से, बोलने की वजह से। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरे चिल्लाने की वजह से ये असर होता है तुम्हारे ऊपर। आज आप बेवजह बात करते रहते, पता नहीं। वी आर डन नाउ विद संग्राम एंड हिज सो कॉल्ड हेयर कट, वेयर हिज वाइफ को छुपाने का बहुत प्रयास किया गया है। ओ माय गॉड, माय बॉडी एज इज जस्ट 14 इयर्स। योर बॉडी एज Just 14 years. It's just 14 years. There is no regulation to talk. We can talk. So Sangram can say that his body age is 14 years because he's allowed to talk. Similarly, Payal is allowed to talk. But Sangram ko uska bolna sahi lagta hai, magar Payal ka bolna sahi nahi lagta. Ab isme hum kya kar sakte? Anyways, now I'm done shooting him, recording him. Catch you guys later.